जी हाँ, माता दी अंकित स्वस्थ कॉर्नर हमारे यहाँ चाट। क्या जय माता दी अंकित स्वस्थ कॉर्नर वाला आया है? अरे तब तो हम पानी पूरी जरूर खाएंगे। अरे दोस्तों, बिस्लू भैया की चाट जो हमने खाया अभी, बहुत ही मस्त और बहुत ही फैंटास्टिक चाट था। हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि अभी हम लोग के बीच में पिलकिछा घाट पे नहावन का पर्व चल रहा है, जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा का नहावन बोलते हैं और गंगा स्नान भी बोलते हैं। और दोस्तों यह नहावन का पर्व करीब एक हफ्ते से चल रहा है, आज इसका समापन है, आज हम लास्ट वाले दिन आए हुए हैं। एक वीडियो हमने और बनाया है पिलकिछा घाट का गंगा स्नान, अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, सो जाइए आप लोग उस वीडियो को देखिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। आज यहाँ पे मेले का समापन है, हमने आप लोगों से कहा था उस वीडियो में कि जिस टाइम पे यहाँ पे समापन होगा उस टाइम हम आपको मेले की वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे। और दोस्तों उसी के कगार में हमारे बीच में देखिए सुनील भैया हैं और हमारे साथ में बीरू भैया भी हैं। देखिए सब लोग अभी सेल्फी ले रहे हैं और जस्ट दोस्तों अभी हम अपने गोमती नदी के तट पे हैं। ये देखिए पीछे आप लोगों को गोमती नदी दिखाई दे रहा होगा और वो रहा गोमती नदी का पुल। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा हम लोग नौका विहार करेंगे, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, फिर उसके बाद आप लोग को मेले के अंदर चलेंगे, वहाँ पर चल के आप लोग को मेले का फुल नज़ारा हम ज़रूर दिखाएँगे। सो दोस्तों आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक ही बात बोलना चाहेंगे कि वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट एक लाइक करें और लाइक के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सो जाइए फटाफट पेज को फॉलो कीजिए, उस पर भी मैं इस तरीके की वीडियो डालता रहता हूँ। सो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो अभी देखिए दोस्तों वहाँ पे आप लोगों को कुछ महिलाएं दिख रही होंगी, तो जिन लोगों ने फर्स्ट दिन नहीं स्नान किया था वो देखिए आज आई हुई हैं मेले के समापन वाले दिन पे, वो लोग देखिए आज वहाँ पे स्नान कर रही हैं। और इधर देखिए आपको दो नाव भी दिखाई दे रहा होगा और बाकी बहुत सारे यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह जो कि हैं बिखरे हुए हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और जस्ट वहाँ पे देखिए कुछ इसी क्षेत्र के लोग हैं जो कि नौका विहार कर रहे हैं, नाव पे घूम टहल रहे हैं। बाकी उधर देखिए काफ़ी सारी नाव है जो कि लोग बाग इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे टहल रहे हैं। बाकी आप पुल के उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पे मुर्दा घाट है, वहाँ पे लाशों का दाह संस्कार किया जाता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और देखिए वहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, एक दो लोग हैं फ़ोटो शूट करने वाले। और इधर साइड में देखिए जो लोग लाश का दाह संस्कार करके आए हैं वो लोग जस्ट वहाँ से लाश का दाह संस्कार करने के बाद यहाँ पे आके स्नान वगैरह करके फिर अपने अपने घर को जाते हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं और आगे का भी नज़ारा हम आपको दिखाएँगे। देखिए दोस्तों हम लोग पैदल ही हैं, मतलब यहाँ तो साधन तो चल नहीं सकते इसलिए पैदल ही हैं, जा रहे हैं उस जो पिलकिछा घाट का पुल बना है उसके नीचे जाएंगे, थोड़ा वहाँ घूमेंगे टहलेंगे, फिर सीधा मेले में आप लोग से मिलते हैं हम। तो पीछे देखिए सुनील भैया हैं और बीरू भैया हैं, सब लोग आज साथ में हैं, मतलब हम लोग पहले से ही गुट बना के आए हुए हैं, आज मेले में बहुत ढेर सारा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। और जस्ट आप लोग दोस्तों सामने देखिए ये है नाव, और नाव के वहाँ जस्ट सामने देखिए आप लोग को वो दिखाई दे रहा है पिलकिछा घाट का पुल, आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पे पाँच नावे पे ये पिलकिछा घाट का पुल का निर्माण किया गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग हैं फोटो शूट करवा रहे हैं। तो अभी देखिए दोस्तों हम लोग नाव पे बैठ चुके हैं और ये देखिए इससे नाव की खेवाई करते हैं तभी नाव आगे जाता है। और अभी देखिए हमारे पीछे हैं वो नाव को चला रहे हैं और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है क्योंकि नाव चल चुकी है, डर इस बात का लग रहा है कि कहीं हमारा फ़ोन पानी में ना गिर जाए। तो चलिए दोस्तों नाव पर बैठ के फिर आपको नज़ारा दिखाते हैं हम। Thank you.
तो देखिए दोस्तों हमारी नाव चल चुकी है। वीरू भैया देखिए हमारी नाव चल चुकी है, खूब मजा आ रहा है हम लोगों को। और इधर देखिए पीछे नाव वाले अंकल जी, हेलो, ये देखिए नाव वाले अंकल जी हैं, नाव चला रहे, खूब मस्ती में हैं ये। आज हम लोग को देखिए कहाँ तक ये नाव पे सैर कराएंगे, आप लोगों को भी बताएंगे हम जरूर। तो अभी देखिए नाव में तीन लोग और आ चुके हैं, हमारे बैठते नाव में बिक्री होना चालू हो गया है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession, you got the ring. करते करते देखिए जस्ट पुल के पास आ चुके हैं, और आज हमारी नाव जस्ट पुल के बीच में क्रॉस करेगी। और अभी हम देखिए पुल के जो बड़े बड़े खंभे हैं उसके बीच से क्रॉस होंगे, और पहुँच चुके हैं हम लोग। और देखिए अभी हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं आज। और जो आप सामने देख रहे हैं वो वही है मुर्दा घाट, आप लोग यहाँ का भी नज़ारा देखिए। थोड़ा हम जूम करते हैं, सुनिए ना कहाँ बनल था, कहाँ का बनता कटवा। और जो आप वहाँ ऊपर देख रहे हैं वहाँ पे बिजली का सिस्टम बनाया जा रहा है। नहीं यार, वहाँ पे बिजली का सिस्टम बनाया जा रहा है। अब हमारे पिलकीसा घाट पे भी बिजली का सुविधा जल्दी उपलब्ध होने वाला है, और जब यहाँ पे ज़्यादा पानी हो जाता है फिर उसके बाद वहाँ पे लाश का दाह संस्कार किया जाता है। आपको करकट वाला छवि दिख रहा है उसी को शमशान भूमि बोलते हैं। और यहाँ देखिए काफ़ी सारे लाश हैं जिनका भी दाह संस्कार किया जा रहा है। यहाँ सामने देखिए सारे मछुआरे हैं, एक से बढ़ के एक देसी कलाकार। खाना पीना साथ सब ले हैं। हाँ, उस जाल में आप देख सकते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इनके पास। तो अभी देखिए हमारी नाव आ चुकी है किनारे पे, और जस्ट अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, फिर आप लोगों को मेले का व्यू दिखाएंगे वहाँ पे। तो आ चुकी है नाव किनारे पे, सब लोग उतर चुके हैं। तो अभी देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं मेले के बीच में, चलिए अब हम आपको मेले का नज़ारा दिखाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मेला यहाँ पे लगा हुआ है, और 7 दिनों से यहाँ पे मेला लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको बैक कैमरे से हम बिल्कुल फुल नज़ारा दिखाते हैं आज मेले का।
पूरा होगा 50 रुपए के आइटम आपके गाँव में आपके कस्बे में महंगाई के दौर में 25-30 रुपए वाला आइटम केवल मात्र 10 रुपए भाई आइए भाई साहब आप आइए माता जी केवल मात्र 10 रुपए आप आइए भाई साहब मात्र 10 रुपए का है। भाग्यवान पानी पूरी अगर खाना है अंकित स्वस्थ कॉर्नर जो आता है ना वहाँ पे खाना क्योंकि उसके यहाँ का पानी पूरी का स्वाद बड़ा ही लाजवाब होता है। अरे ये जय माता दी अंकित स्वच्छ कॉर्नर वाला ही आया है वही तो मैं बोल रही हूँ। क्या जय माता दी अंकित स्वस्थ कॉर्नर वाला आया है? अरे तब तो हम पानी पूरी जरूर खाएंगे। जी हाँ जय माता दी अंकित स्वस्थ कॉर्नर हमारे यहाँ चाट चाउमीन नाश्ता। अभी देखिए दोस्तों हम लोग चाट का एंजॉय लेंगे और यह है दोस्तों पटेला बाजार की बहुत ही फेमस चाट की दुकान बिष्णु चाट भंडार वहीं का आज ये चाट हम लोग खाएंगे तो काफ़ी मस्त और काफ़ी फेमस दुकान है तो अभी हम लोग चाट को खाएंगे फिर उसके बाद आप लोग को बताएंगे ये चाट कैसा है तो खाना स्टार्ट करते हैं फिर तो चलिए दोस्तों चाट को फाइनली खा लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो बिष्णु भैया की चाट जो हमने खाया अभी बहुत ही मस्त और बहुत ही फैंटास्टिक चाट था। अगर आप लोग भी आइए इस मेले में तो बिष्णु भैया की चाट की दुकान पर जरूर आइएगा और इनकी चाट जरूर खाइएगा। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा खा के। बाकी आप लोग भी आइए इनके चाट को खाइए और बहुत ढेर सारा इनको प्यार दीजिए। बस आप लोग के प्यार के मोहताज हैं ये और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे और भी नज़ारा हम मेले की दिखाते हैं आप लोग को। बहुत खूब। कहाँ से आए हैं आप? हम बहुत दूर रहते हैं यार भाई। हाँ ये देखिए इनकी है कंगन की दुकान गा गा के बेच रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इनका गाना। आप लोग आइए इनकी कंगन की दुकान पे और बहुत ढेर सारा इनको आशीर्वाद और प्यार दीजिए। देख लो निकालो मौका लगे चुरा लो मेला जाएंगे छोला जलेबी खाएंगे कंगनवा घर लेके आएंगे। वाह 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 कंगनवा जरूर ले जाएंगे हम आपका। ठीक ठीक तो अभी देखिए दोस्तों हम पैक करवा रहे हैं घर के लिए सेव जो कि देखिए ताज़ा और बिल्कुल अच्छा सेव है। अभी हमने खा के इसको चेक किया है तो ये अब अपने घर के लिए पैक करवा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं पीछे दुकान है काफ़ी यहाँ पे काफ़ी सामान है गट्टा वगैरह सेब है और फिर पेठा वगैरह सब कुछ है। तो अभी हम सेब ले रहे हैं क्योंकि वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और खाने में मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने घर के लिए सेव पैक करा लिया। ये हमारा है इधर वीरू भैया का और इधर देखिए सुनील भैया का। सब लोगों ने अपने अपने घर के लिए सेव पैक कराया है। पिछली बार हम लोग जलेबी ले गए थे और इस बार सेव ले जा रहे हैं। तो चलिए आगे और भी नज़ारा आपको हम मेले का दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस मेले का आयोजन देखा ही काफ़ी मस्त और काफ़ी भव्य मेले का आयोजन यहाँ पे किया गया था और अब धीरे धीरे ये समापन की कगार पे है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। वीडियो आप लोग को कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों पहले की अपेक्षा जो फर्स्ट दिन हम आए थे फर्स्ट दिन की अपेक्षा आज भीड़ तो कम है लेकिन फिर भी भीड़ आधे के बराबर तो है ही है और काफ़ी अच्छा लगा मेला मुझे देख के। आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो यह है अपने क्षेत्र का बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य मेला जो कि 7 दिनों से चल रहा था और आज इसका
समापन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस मेले की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, बस एक ही बात का रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करें। और लाइक के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि नई नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। और दोस्तों ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम भी अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर दोस्तों एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे।